इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं रेलवे के सारे एग्जाम के जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर्टज मार्ट्रक है आवृत्ति का, इसका राइट आंसर आवृत्ति होगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और मान समान हो जाता है। डीएनए के मूल मात्रक है, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, इसका राइट आंसर न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, डीएनए के मूल। ऊर्जा संचारण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना विनाश केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। डॉक्टर सीबी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भौतिक शास्त्र 1930 में डॉक्टर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, तो इसका राइट आंसर नौवहन हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। प्राइड का संबंध है सांख्यिकी से, प्राइड का संबंध सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर यूरेनियम, यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगर अर्थ हमारे सन और मून के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई देता है, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, वायुमंडल जो होता है अन्य रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसलिए एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। एक लैंप जब जलता है तो उसमें देखते हो कि आपके उसकी बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो ये कोशिकत्व क्रिया के कारण होता है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है, तो राइट आंसर मिट्टी का हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। और जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है बृहस्पति बुध तथा शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोनों का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, वह है -327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन बी बल एफ की दिशा में, तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एन धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम ए एम अवधि टी के साथ अधिकतम वेग है 2π a/t, राइट आंसर हो जाएगा। एक कूलम आवेश बराबर है -6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, -6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। संधारित का धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। प्रासरब ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर। 100 वाट 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो इसका राइट आंसर 0.4 a होगा। दाब की बीमा है -1 × 10⁻²² हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 kW/h बराबर है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, रडार जो काम करता है विद्युत चुंबकीय द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। विद्युत रोधी माइका का प्रावैद्युत गुणांक है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, राइट आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कंकेव अवतल लेंस द्वारा। शरीर में डैश
के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण शरीर में क्या होता, दिल का दौरा पड़ता। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, अब रक्त, ताप तथा ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे.जे. थॉमसन ने की थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो सन्निहिति हो जाएगा। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है, तो आग्नेय सेल में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना सौर होता है, 0.5 डेसिबल होता है। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो कोल तार है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन और आर्गन होगा। भविष्य का ईंधन कौन सा है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है, तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है।